जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लगातार सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है और इसे लेकर नेतागण एक दूसरे पर जुबानी हमले भी कर रहे हैं। पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय के चंडोस हाई स्कूल खेल के मैदान में एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि लालटेन युग से अब हम सभी बिजली युग में आ गए हैं। लालटेन युग को याद कर लोग सहम जाते हैं, एनडीए में शामिल नेता साफ सुथरे हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश के सभी भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बीते 10 सालों में देश का चौतरफा विकास हुआ है। मौके पर उन्होंने जन समूह से अपील की कि देश के विकास को गति देने के लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए। उन्होंने कहा कि जब आप रामकृपाल यादव को विजयी बनाएंगे तभी तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। और इस दौरान पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मोदी की गारंटी के सामने विरोधी चारों खाने चित हैं। प्रधानमंत्री का ही देन है कि देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें नंबर पर पहुंच गई। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। लालू जी के गुंडों को एकदम ठूस ठूस के जेल में बंद करूंगा, कोई बचा नहीं सकता। एकदम फिक्र रहिए, ये जो माफिया लोग के चक्कर में है लालू प्रसाद जी, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, एकदम लिस्ट बना रहा हूं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा सबको या तो फुलवारी के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो सब नेपाल भागना शुरू कर देगा, इतना स्वस्थ करते हैं। एकदम बेफिक्र रहिए। ये लालू जी का बेटा कहता आजकल कि हमने रोजगार दिया, अरे तो पापा मम्मी से पूछते नहीं हो, 15 साल में कितने को रोजगार दिया? 1,00,000 लोगों को भी रोजगार नहीं दिया। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी और मोदी, नीतीश सुशील मोदी जी ने 15 साल में 7,50,000 लोगों को नौकरी दिया साथियों। और सभी नौजवानों को आश्वस्त करता हूँ, जब विधानसभा के चुनाव में आऊंगा तो 10,00,000 का जो नीतीश कुमार का वादा है उस वादा को पूरा करके ही वोट मांगने आऊंगा। और आजकल एक टूरिस्ट बेटी भी आई है, अभी आजकल हिंसा फैलाई अभी छपरा में, पूरे बिहार में कहीं हिंसा नहीं हुआ साथियों, किसी की हत्या नहीं हुई, लेकिन लालू प्रसाद के परिवार के गुंडागर्दी के चलते छपरा में एक नौजवान की हत्या हुई। ये समझिए, ये लोग यदि चुनाव में आते हैं एकदम गुंडागर्दी करने के लिए आते हैं, लोकतंत्र की हत्या करने आते हैं।